कितना खूबसूरत दिख रहा है, और सनसेट के टाइम तो पूछो ही मत। नेकेड आई में जो व्यू दिखता है, मतलब वो तो शायद कैमरा भी जस्टिस नहीं करता होगा। क्या था ये? So he has the parking till tomorrow 4 PM. Okay. And we don't need to pay. We don't need to pay? Oh, he gave you? He just gave me. खूबसूरत दिख रहा है, द व्यू इज सुपर्ब। इट्स लाइक आप माउंटेन के ऊपर जा रहे हो और माउंटेन से पूरा एंटायर बर्ड व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन डेक है, जाके एक बार देख लेते हैं। सो वी आर इन द ऑब्जर्वेशन डेक एंड द व्यू इज सो सुपर्ब। बोले जैकेट ले आने के लिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा है। मेरे आँख के सामने ना 7 ब्रिज दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये जो पीछे स्काईलाइन दिख रहे हैं, ये पिट्सबर्ग का डाउनटाउन है, और हम लोग यहाँ फिनिश करने के बाद वहाँ भी जाएंगे। पीछे जो मेरे एक टावर देख रहे हो आप, इट्स ए अपार्टमेंट। सो जो लोग यहाँ पे रहते होंगे एवरीडे, उनको यहाँ का व्यू देखने मिलता होगा। सो हाउ लक्की दे आर, एवरीडे दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ व्यू। इतना मज़ा, मतलब सनसेट के साथ इतना अच्छा व्यू। अपार्टमेंट में रहो एंड एन्जॉय द व्यू। सो पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द बिग सिटी इन पेंसिल्वेनिया स्टेट वेर यू विल गेट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन व्यू पॉइंट। यहाँ की भीड़ देखो, शाम होते ही लोग यहाँ आके यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। भी वो वेडिंग फोटो शूट हो रहा है, देखो ये गाड़ी में बैठ के ब्राइड आई है, ब्राइड के साथ उसके सारे ब्राइड मेड आए हैं। डिसाइड किए क्या खाना है? हाँ, ये सामने वाले में ना खाना बहुत अच्छा दिख रहा है। यस, स्टील मिल सलून। 9 बज गया यार, स्टील मिल सलून में खा लेते हैं। okay. अच्छा रिव्यू अच्छा है और उसका मेन्यू भी अच्छा है। वी कैन, सो हम लोग का खाना आ गया और वी आर स्टार्विंग लाइक एनीथिंग। ये है चिकन जमैकन टाकोज, चिकन विंग्स एंड चिकन बर्गर with some sweet potatoes. The chicken wings is superb. It has amazing flavor. I was starving since morning for french fries and finally I got it. This is sweet potato french fries by the way. Somewhat healthy. प्लान हुआ कि हम लोग गाड़ी में सोएंगे। नहीं, पिट्सबर्ग में 422 ब्रिजेस हैं। सिटी आल्सो नोन एज सिटी ऑफ ब्रिजेस। काफ़ी सारा स्टील प्लांट है, जैसे हमारे इंडिया में राउल किला इज द फेमस सिटी फॉर स्टील प्लांट, लाइकवाइज हियर दिस सिटी आल्सो फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट। सो आज के लिए बस इतना ही था, कल सुबह फिर मिलते हैं आपके साथ। यहीं पे ही पार्क हुआ है, तो कल रात पहुँचते काफ़ी लेट हो गया। मैं सोची बात कर लूँ थोड़ा, पर इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि और हालत नहीं था कैमरा उठा के शूट करने में। सुबह उठे, कल रात नींद भी काफ़ी अच्छा हुआ, तो अभी निकल रहे हैं और यहाँ का बाकी जितना भी जगह है घूम के फिर निकल जाएंगे शाम तक। Yeah,
डाउनटाउन आते हैं तो हमेशा यही होता है, पार्किंग मिलता ही नहीं है। कैन रेंट दिस बाइक? The Fort Pitt Tunnel. This is the State Point Park. So you remember that one? Equine intended to Kalrathpur, right? And I really like the vibe here. It's a best place to relax and enjoy the view. कल रात हम लोग वहाँ से यहाँ का view enjoy किए और अभी हम we are here and we are enjoying that view. जो भी यहाँ पे आएगा वो पूरा 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड बैठो तो दूसरा साइड नहीं दिखेगा, इट्स लाइक 360 डिग्री व्यू। वहाँ पे देखो ग्रिल करके खाना बना रहे हैं यार्ट में, यार्ट ये देखो पूरा यार्ट में बैठ के बीचों बीच गाना बजा के मस्त एंजॉय कर रहे हैं संडे आफ्टरनून। मस्ती तो ऐसे ही लगता होगा जब तक पानी में, ऐसे जगह आओ और पानी में ना जाओ ये कोई मस्ती हुआ भला? To get the nice view, you can just enjoy this public cruise as well. Ducks लोगों को भी मतलब उनको भी ride करना है। वो वहाँ पे देखो खाना बना रहा है, मतलब कुछ तो grill हो रहा है वहाँ पे और खुशबू यहाँ तक आ रही है। Sunrise या फिर mid time पे आते तो अच्छा होता ये। This is the Point State Park. This is the must visit place. जो लोग भी पिट्सबर्ग आ रहे हो तो ये Point State Park जरूर विजिट करना। It's already 1:16. लंच कर लेते हैं। अब मत बोलना कि रोड क्रॉस करके आई। कभी भी कोई डाउनटाउन जाओ तो हमें ऐसा यही कॉप्स का कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट होके ही रहता है। अभी हम लोग पहुंच गए रैंडी लैंड में। कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, जो हम लोग के घर में चीज़ें ख़राब हो जाता है हम लोग क्या करते हैं फेंक देते हैं, पर वी शुड नॉट, वी कैन जस्ट डू दिस काइंड ऑफ डेकोर पीस एंड शो एट होम। बच्चों के लिए ये जगह बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ से वेलकम एंट्रेंस है पर शायद लग रहा है ये बंद है, अभी संडे है इसीलिए, पर हम लोग जो भी बाहर था वो देख लिए। ये पाथवे पे भी कितना कलरफुल है,
see this path, colorful pathway. To subscribe to this amazing channel. Tell us about Randyland. How did you build? You are the co-owner. I was the former co-director. Okay. I basically befriended Randy because we have a mutual passion for beer. The outdoors, a lot of the exterior walls, I actually repainted. You did. You know, I'm a paint by numbers person. I cannot actually do anything original. So he did the original. What is the story behind naming it as Randyland? So Randy, in this area of town, was really bad. I mean, you know, a lot of these were abandoned lots. It's not like $600,000 for a house back then. You know, this was $10,000. It was bombed out. Uh-huh. No one wanted to live here in the Mexican War streets because it probably looked like the remnants of a war. Oh. Right? Before Randy bought this place in the early 90s, he lived down the street at Vito, right? Okay. And he was taking all the kids, teaching them how to plant, how to clean up all the lots, get all the tires out, get all the needles, all of that out. Mm-hmm. And he planted about 500-700 gardens here. Oh. So of all of these lots. So there's a WQED show, that's the local PBS, where they did the Spirit of Pittsburgh, and they showed him right before Mr. Rogers about how if you want to change your community, just start doing something. Get trash off the street, paint it, bring it in, do something like that. It's amazing. So that's how he kind of got started, because he was really instrumental in cleaning up the community. Mm-hmm. And then eventually he just took everyone's junk and painted it. Yeah. That's how I see, like, all the buildings are now beautiful. Yeah, if you guys want to visit Pittsburgh and you want to cover it in over the weekend, yes, you can. We visited, were able to visit all the attraction in 1.5 days, like not even 36 hours. And we were able to cover the downtown, the Point State Park, the DeQuin Incline, and also the Randyland. So the Randyland was the last attraction point in Pittsburgh downtown, and we already finished the Randyland as well. And we finished all the attraction point in Pittsburgh downtown. शूट कर सकते हैं उस तरफ से था। दिस इज द ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल इन यूएसए एंड दिस इज सिचुएटेड इन द पिट्सबर्ग सिटी। और हम लोग ट्राई किए वीडियो करने का, पर ये अलाउ नहीं है वीडियो अंदर जाके शूट कर सकते हैं, तो हम लोग बाहर से ही वीडियोस ले रहे हैं। इवन आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेंपल बिकॉज़ एंड full pant allowed, half pant allowed. Yeah. अच्छा वह मंदिर चले आए, because there is no next time, it's now or never. तो अच्छा ही हुआ कि मंदिर चले आए। जस्ट हमको 15 मिनट ही लगा मंदिर देखने में, और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि पहले भी मैंने सुना था, जेपी ही बता रहे थे, क्योंकि वो यहीं पिट्सबर्ग में रहते थे, तो उनको अच्छे से आइडिया है, और उन्होंने ही बताया था कि पिट्सबर्ग का टेम्पल बहुत खूबसूरत है, एंड दिस इज़ द वेरी ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन द पिट्सबर्ग सिटी। तो अच्छा लगा जान के इसके बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल येट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।